खाना धुआना यहाँ से कर लेती है। ये पानी उठा रही है दीदी, उठा दे दीदी। दीदी आ रही है पानी लेकर के। फिलहाल जलाने के लिए इतना सारा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गया है, हालत ही तो खराब हो रहा है, धूप भी बहुत हार्ड है। रसिया कमजोर है। चलो ले ली। हाँ ले ली, अब चलिए घर जाते हैं। चलो देखिए इतना सारा लकड़ी जमा किए हैं। ये और दीदी कितना मेहनत कर रहे, सीमेंट का बोरा ढो के ला रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। लाडू लक्ष्मी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, मेरे पति देव वहाँ खड़े हैं, हाय हेलो खाली कर रहे हैं। और देखिए मम्मी क्या कर रही है, दिखाते हैं। मम्मी चौराट फूच के लाई है उधर से, उसी को काट काट के बना रहे हैं ना मम्मी। झाड़ू बन रहा है, झाड़ू। तो हम लोग का मिट्टी का घर है, तो यहाँ पे हम लोग वो वाला झाड़ू यूज नहीं कर सकते, जो नारियल वाला झाड़ू होता है वो यूज तो नहीं कर सकते। तो मिट्टी घर में यही वाला झाड़ू चलता है, दिखा रहे आपको। देखिए ये झाड़ू, देखिए कितना मेहनत कर रही है मम्मी। ये सारा बना करके रख लेते हैं इसलिए ना, क्योंकि बरसात के दिन में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये सारा ढेर सारा बना करके मम्मी स्टोर करके रख लेती है ताकि आगे काम आए। साल में एक ही बार मिलता है। अच्छा, इसीलिए पूरा मम्मी बना उना करके एकदम रख लेती है। और आपको दिखा बहुत ज्यादा चलता है, टिकाव जो है इसका। हाँ, बहुत अच्छे से, मतलब मिट्टी घर में इससे अच्छे से साफ होता है। और आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं हम। देखिए, हाँ रुकिए, आपको नजदीक करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी फुआ सास आ गई है। कहा भाई सोना कौन ना, फुआ होते अमीर आदमी ना ही सोना ना के सिटी गोल्ड पहन लगे। देखियो अच्छा लैंड वो तो फुआ को चाहिए सिटी गोल्ड का इयर रिंग, ये पहने तो फुआ को लग रहा है कि सोना का है, पर ये सोना का नहीं है, ये सिटी गोल्ड का है। रही ना ये फुआ, भगवान करो होते जरूर। देखिए कहिया हो तो फुआ तो नहीं आशीर्वाद देना कहीं बढ़िया से ना, ना हर भर का आशीर्वाद अभी तब ने तरक्की कर ले कि को काम में बैठ जाए, हो जाए काम में बैठ जाए। तो दिल से तभी तो नहीं, दिल से दिल दुआ हमरा, समझ ले ना, दिल से दयो अभी की बे दिल से दयो। तब फुआ चल हमने आज नहाबे नदी में, नहाल भी ना लिए ना जीबो, डर लग तो हम ही हम लोग सब जाएंगे ना डुगो, सब चलिए नदी चलिए। गांव में हम लोग डैम बोलते हैं, डैम नहीं है तालाब है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डैम या नदी में जाएंगे नहाने के लिए। फुआ मेरी नहाई नहीं है, इधर गोतनी को मेरी देखिए भाग गई, पानी लेकर के आ रही है दीदी। फुआ चलिए हम लोग नहाने जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक ना। मिक्सचर ना हमारे पति देव है ना, मिस्टर प्यार से बोला ही हेलो बोले सुने बोलो की बोल लीजिए मिक्सचर खाइए ना, मिक्सचर ना मिस्टर बोला ही ना सुने की करिए। हां ये जो अधिक कर लेना सुने मिस्टर बोले तो सुने का नाम लगे भर के ले कुछ बाहर निकल के की करेंगे तोड़ के बकरी को खिलाएंगे आम का पत्ता तोड़ ले क्या ककरा की में मैया नहीं मैया खेते बकरिया खेते के लिए। और दीदी कितना मेहनत कर रहे, सीमेंट का बोरा ढो के ला रहे हैं दोनों मिल के खूब मेहनत। पकड़ 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 पकड़
देखो रे, एक शरीफा तोड़ा है। देखिए फ्रेंड, मेरा बेटा एक शरीफा तोड़ के लाया है, मेरा डुग्गू। लेकिन ये पक्का नहीं है बेटा, क्यों तोड़ा उसको? और डुग्गू चढ़ रहा है, देखिए कितना सारा शरीफा लगा हुआ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, जूम करके दिखाते हैं। वाह, देखिए कितना सारा शरीफा लगा हुआ। डुग्गू चढ़ गया बेटा, रुक जाएगा, दिख नहीं रहा। रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जाओ। ये देखो, देखिए फ्रेंड, शरीफा टूट गया। देखिए, रुक जाइए, ले रहे। देखिए शरीफा ही दे रहे हमको। गिर जा, गिर जा। देखिए तीन पीस ये शरीफा तोड़ करके लाइन सीख गया है। देखिए फ्रेंड, मेरे पीछे साइड बांस का पेड़ है, देख सकते हैं कितना घना है। इधर आप जिधर भी नजर घुमाइएगा, चारों तरफ आपको एकदम हरा भरा, एकदम शुद्ध वातावरण है यहाँ का। यहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई पॉल्यूशन का टेंशन नहीं, एकदम। इधर कुटुस का पेड़ है, ये कुटुस का पूरा है पौधा। और इधर तो मैं आपको दिखाई, चलिए इधर देखते हैं। और इधर देखिए, ये फुआ से डुगू से बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इधर कितना सारा चोराट वाला घास लगा हुआ है। मम्मी यहीं से फूंच करके लेके जाती है और झाड़ू हम लोग बना करके रखते हैं, जिससे कि हम लोग को घर का साफ सफाई करने में सुविधा होता है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना घास है। और यहाँ पानी पूरा जमा इसलिए हो गया है क्योंकि अभी बहुत बारिश हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर गड्ढा है, तो यहाँ पूरा पानी आप देख सकते हैं कि भर गया है। देखिए कितना सारा गाय जा रही है। देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं तालाब, और यहाँ से दीदी मेरी मतलब पानी लेगी बर्तन तो धोने के लिए। हमें यहीं से पानी लेकर के जाते हैं, टेम्प्रोरी काम यहाँ से हो जाता है, बर्तन उर्तन धोना, पैरा धोना, नहाना धोना यहाँ से कर लेती है। ये पानी उठा रही है दीदी, हम लोग यहीं से पानी लेकर के जाते हैं घर में। उठा दे दीदी, चलिए फ्रेंड, दीदी आ रही है पानी लेकर के। देख सकते हैं फ्रेंड, इधर का रास्ता कितना खराब है, पूरा उखड़ खाबड़ है। लेकिन पीछे का बैकग्राउंड व्यू नजारा देखिए, पीछे का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा हरा भरा। यहाँ से तालाब भी दिख रहा है। देखिए फ्रेंड, हम लोग दोनों गोतनी जा रहे हैं अभी जंगल लकड़ी लाने के लिए। सूखा हुआ लकड़ी लाएंगे, मतलब जलावन के लिए, बहुत दिक्कत हो गया है हम लोगों को, तो वही लाने जा रहे हैं दोनों गोतनी। बहुत धूप भी हार्ड किया हुआ है, बहुत दूर है, यहाँ से काफी दूर है जंगल, जा रहे हैं पैदल पैदल। और इधर पति देव मेरे, वो भी साथ में है, वो आगे निकल गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, वहाँ जा करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड, हम लोग जंगल पहुँचने वाले हैं, और इधर आपको हम धान दिखा रहे हैं। देखिए खेत में धान लगा हुआ है, और हम लोग जंगल अब पहुँचने ही वाले हैं। तो फिर चलिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड, हम लोग जंगल अब इन कर गए हैं, तो आइए दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, फाइनली हम लोग जंगल आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लकड़ी चुनने के लिए, जो सूखा लकड़ी है वो सब सारा चुन करके इकट्ठा करेंगे, फिर लेकर के जाएंगे। तो बने भी मुझे मिला है,
मिल रहा है लकड़ी। पेड़ वाला छिलका है सब। हाँ, ये छिलका है। इसे ना बहुत अच्छा जलता है। देखो यहाँ भी है, इधर भी है, इधर इधर देखो, वहाँ देखो। देखिए हम लोग किस तरह से गांव में जाते हैं और हम लोग यहाँ भी है। देखिए फ्रेंड, इतना सारा अभी हम जमा कर लिए हैं लकड़ी को, सारे लकड़ी को लेकर के अब जाना है हमको, और देखते हैं और भी लकड़ी मिलेगा तो और भी जमा करते हैं। फिलहाल जलाने के लिए इतना सारा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गया है, हालत एकदम खराब हो रहा है, धूप भी बहुत हार्ड है। ये एक जंगल है, इसके अलावा भी पीछे साइड और भी बहुत बड़ा जंगल है, हम आपको नेक्स्ट डे उधर भी ले जा करके आपको दिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड। चलो उठाओ माथा में ले चलो। रसिया कमजोर है। चलो ले ली। हाँ ले ली, अब चलिए घर जाते हैं। चलो देखिए इतना सारा लकड़ी जमा किया है। जलावन भर तो हो गया है गाइस, अब जा रहे हैं लेकर के घर इसको। ठीक है चलो। रखो जलावन के लिए फिलहाल इतना हम लेते आए हैं, अब जाते हैं दूसरा काम करते हैं। अभी एक दो दिन मेरा इसे काम चल जाएगा, फिर खत्म होगा तो फिर जंगल जाएंगे लकड़ी लेकर के आएंगे। तोड़ रहे हैं लकड़ी को जलावन के लिए, खाना बनाएंगे इसी में। रखो बड़ा बड़ा है ना, तो थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा। हाँ छोटा छोटा टुकड़ के रख लेते हैं, जलाने में आसानी है। देखिए फ्रेंड, ये मेरा बारी है बगान, और आप देख सकते हैं पूरा साड़ी से हम लोग बगान को घेर दिए हैं, यहाँ से एकदम वहाँ तक। देखिए ये पूरा मेरा ही बगान है, और बहुत सुंदर हवा चल रहा है अभी एकदम चारों तरफ। अभी धूप से आए तो एकदम हालत खराब हो गया, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। और देखिए इधर झूला उंगा लगाए हैं, और पीछे साइड है ये पिक्ची का पत्ता, देख सकते हैं इधर पीछे बकरी चर रही है, कपड़ा उपड़ा धो के सूखने दे दिए हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का डेली ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय।